The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज जरा प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे खेलों के हवाले से। आमतौर पे पाकिस्तान में सियासत का मैदान तो गर्म रहता है, लेकिन आजकल खेलों के मैदान से भी सियासत की बू आने लगे, तो फिर यकीन तौर पे कहना होगा कि शायद आज एक आम आदमी को जोड़ने वाला स्पोर्ट उसको भी नज़र लगती है, दिखाई दे रही है। हमने देखा कि माजी में जिस अंदाज से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमों में एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन नज़र आया, एक हमांगी नज़र आई, और कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद नज़र आई कि दोनों मुल्कों में जो क्रिकेटिंग जो सिनेरियो वो फलता फूलता नज़र आएगा। बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की गई, लेकिन बिल आखिर ये तमाम तरह एक्टिविटी एक बार फिर से सियासत की नज़र होने जा रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल से पाकिस्तान ने आज बड़ा गहरा मुतालबा कर दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी करने जा रहा था 2023 में, उसके हवाले से हिंदुस्तान की जानिब से एक जो हृदय मलाया वो यकीन तौर पे स्पोर्ट्स लवर्स के लिए किसी भी तौर से खुशाइन नहीं होगा। हिंदुस्तान ने एक बार फिर से पाकिस्तान आने से माजत कर दी, पाकिस्तान में आके खेलने से माजत कर दी। इसके पीछे की वजूहत क्या है और क्यों स्पोर्ट्स को हर बार सियासत का निशाना बनाया जाता है, आज सवाल से गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन करें जनाब रियाजुद्दीन साहब, और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे जनाब अनीसुर रहमान साहब। दोनों ही नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। रियाज साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। स्पोर्ट्स में सियासत का अंसर आना, ACC को पाकिस्तान ने खत तो कर लिख दिया, लेकिन ये जो फैक्टर्स शायद नजर ही ना आते तो क्या बेहतर ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। बात यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, और ये पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं और इंडिया के अवाम भी जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान जब सीरीज़ होती है तो दोनों मालिक के जो शायकीन हैं वो पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें, गुज़श्ता कई सालों से भारत जो है उसने खेलों में सियासत को शामिल किया है। हालांकि पाकिस्तान जो है जितने भी टूर हुआ करते थे, पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पे जाने की कोशिश की, खेलने की कोशिश की, बाईलेटरल सीरीज़ जो हैं वो उनसे खेलने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हमेशा इसकी मुखालफत की। न सिर्फ मुखालफत की बल्कि अपने साथ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके तो लोगों को मिलाया जो मालिक हैं, उनके साथ साथ ख़ास तौर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी बाज़ मौक़ों पर हमारे ख़िलाफ़ महाज भी खड़े किए और हमारी जो चीज़ें थी उसकी मुखालफत। बिल्कुल, आपने दोस्त इस तरफ निशानदेही भी की, लेकिन एक पहलू ये देखा जा रहा था कि अब हम देख रहे थे कि बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही थी, जेस्चर्स बड़े ज़बरदस्त थे। जब हम बात करें ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था, जब पाकिस्तान ने जीता, तब भी हमने देखा कि प्लेयर्स में किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नज़र नहीं आया। इनफैक्ट आफ्टर द गेम, बिफोर द गेम, हमने बड़ा ज़बरदस्त माहौल देखा जो कि क्रिकेटिंग नेशंस में होना चाहिए, लेकिन ये तमाम तर जो माहौल हमें खिलाड़ियों में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, बोर्ड्स में उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। शायद पाकिस्तान ने, PCB ने हर बार कोशिश की, बट BCCI की जानिब से हर बार उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। आप गुज़श्ता कई सालों से देखें, जो मैं अभी पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान हमेशा आमादा रहा कि इसमें सियासत को ना शामिल किया जाए। पाकिस्तान जाता भी रहा, इंडिया ने यहाँ पर मतलब हमेशा से कई सालों से उन्होंने मुखालफत की। रह गई बात कि आपने ये देखा कि जो हालिया सीरीज़ हुई हैं उसके दौरान जब जब मतलब उनके प्लेयर्स को और हमारे प्लेयर्स को मौका मिला तो उन्होंने एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात का इजहार किया, एक दूसरे को मतलब एक उन्होंने गिफ्ट भी एक्सचेंज किए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, इंडिया में भी मतलब एक तबका ऐसा है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, चाहे वो स्पोर्ट्स से मुंसलिक हों या आम शायकीन हों, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मतलब स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो या मुकाबले जो हैं वो होते रहें। लेकिन एक ख़ास तबका है जो इंतहा पसंद कहलाता है, वो उनके हर शोबे में शामिल है, और वही मतलब जो ये तबका है वो इसकी मुखालफत करता है कि पाकिस्तान से कोई सीरीज़ ना हो। अच्छा, एक तो उनको मतलब जो इंतहा पसंद लोग हैं उनको तो एक ये घमंड है कि जी हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी मार्केट बड़ी है। रिया साहब, मार्केट जितनी बड़ी हो, हम सब जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं या जब वो सीरीज़ होती है तो उसकी तो कोई मिसाल भी नहीं मिलती। 3 मिनट के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वो मैच जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बारिश की नज़र हो सकता है, उसकी टिकट्स फरोख्त हो जाती हैं, तो ये तो बायलैटरल सीरीज़ है। अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में हो तो इसका साइज़ कितना बढ़ जाएगा। देखिए, इसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ये देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत जो मतलब बड़े इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह, उनके जो मैचेस होते हैं उनको इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की जो गेट मनी होती है उससे उनको बेतहाशा फ़ायदा होता है। Exactly. इसी तरह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत जो ये मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, उससे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत ज़्यादा कमाती है।
तो मतलब उनको ये भी देखना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि उनकी एक मतलब प्लानिंग के तहत वो इस तरह की चीज़ें जो हैं मतलब करते हैं कि कोई ना कोई रुकावट आए और भारत जो है ना जाए। उसकी वजह ये है मुनीर साहब कि हमने हमेशा उनके ना करने के बावजूद जो है उनको हाँ कराने की कोशिश की और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस बार ट्रेंड्स कुछ तब्दील हो रहे हैं और होना चाहिए, देखें हो रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमें अनीस रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब अब तो पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी का इस तरह से कोई खतरा नजर आता, खुदा का शुक्र है कि सूरत हाल बहुत बेहतर है। टॉप टीम्स पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं और आने वाले सालों में मजीद करेंगी, और ये हम दुआ को भी हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स हैं, जिस तरीके से इंग्लैंड के 7 मैचेस हुए, स्टेडियम्स को खचाखच भर दिया, ये बताता है कि हम कितने पीसफुल कंट्री हैं, हमारा क्रिकेट के लिए कितनी मोहब्बत है। लेकिन ये मोहब्बत हमारे पड़ोसी मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क की के बोर्ड को नजर क्यों नहीं आती? वो क्यों इतने बौखलाहट का शिकार है कि वो पाकिस्तान आने से डरते नजर आ रहे हैं? असल में ये तो कोई अब नई बात नहीं रही है, जाहिर है कि ये प्रॉब्लम तो इंडिया को हमेशा से रही है। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि क्रिकेट वाइज जो है, जो क्रिकेट बोर्ड है या प्लेयर्स हैं, वो इस सिलसिले में इतने शिद्दत पसंद नहीं है। वो तो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी तो वो बहरहाल उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो यही वजह है, बुनियादी वजह यही है, और वो शिद्दत पसंदी वाली बात है कि वो शिद्दत पसंद लोग हैं और वो भी। लेकिन अनीस साहब, अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई जेस्चर दिया जाता तो मेरे ख्याल से पूरा इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत कुछ कह रहा होता। इस वक्त हिंदुस्तान की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है और हम वो देख रहे हैं कि 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे, मद्दे मुकाबले होंगे। इस तरह का स्टेटमेंट आना, आपको लगता है कोई ये फहम की बात है, कोई ऐसी बात है जिसको इस वक्त किया जाना चाह? शायद इसके ऊपर दूसरे अंदाज से गुफ्तगू की जा सकती थी, शायद BCCI इसके ऊपर मजीद वक्त मांग सकता था। अभी ये देखना कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें दोनों टीम ने आमने सामने होनी है और एक हाई टेंशन मैच होता है, ऐसे वक्त में इस तरह का बयान देना, ये कहां की अकलमंदी थी? ये अच्छा सवाल है आपका और आपने सही जगह पर, सही मानों में दुखती रख पर उंगली रखी है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेटेजी हो सकती है ये कि डिस्टर्ब किया जाए पाकिस्तान की टीम को, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो अपने खेल पर ही कंसंट्रेट करती है और मैदान में ही मुकाबला होगा सही मानों में। और वजह मुझे यही लगती है कि जो इंटरनेशनल ये इतना बड़ा मुकाबला आया है, तो क्योंकि लास्ट मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान से हारा हुआ है, तो वो जाहिर है कि वो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करना चाहते हैं ऑफ द फील्ड। और ये जो चेयरमैन PCB रमेश राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो PCB का ऑफिशियल इसमें पूरा स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि उसको अगर पढ़ें तो ये महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान ने जो आइंदा वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है उसमें भी खेलने के हवाले से अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया। नहीं नहीं बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। देखें आप कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कि आपके लिए ये कहा जाता रहे कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट होगा, जो बड़ा टूर्नामेंट होगा, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको छोड़ना। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है और फोरफीट भी कर सकता है पूरे टूर्नामेंट को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला यही है कि जो बयान है रमीज़ राजा का, बड़ा बरवक्त आया है, फौरन आया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया कि ये टूर्नामेंट जो है एशिया कप जो है आइंदा साल वाला जो है वो कहीं और न्यूट्रल मुकाम पे मुंतकिल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है BCCI की जानिब से गलत मौके पर गलत स्टेटमेंट दिए जाने की वजह से सारी सूरत हाल पैदा हुई। मैं अनीस साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन रियाज साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट करें कि जो BCCI जिस तरीके से इस वक्त ऑपरेट कर रही है, रमीज राजा साहब का तो बयान पहले तो उसको किस नजर से देख रहे हैं? PCB ने माजी में इतना एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, पहली दफा किया, अच्छी बात नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है। मसला ये है कि अगर हम गुज़श्ता 10-12 साल जिस तरह से जो बिहेवियर हमारे साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, अगर हम उसको उसी वक्त सही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते तो शायद ये नौबत ना आती। और मैं ये समझता हूँ कि देखें ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा ज़रूर है और वो इन चीज़ों को मतलब चेक करते रहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखें हमें तो अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और खेलों में हमने, हमारी किसी भी हुकूमत ने और किसी भी बोर्ड ने खेलों को सियासत में कभी भी शामिल नहीं किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर यही चीज़ें जैसे आज रमीज़ राजा ने जो बात की, अगर यही चीज़ पहले कर दी जाती तो कोई ऐसी बात नहीं। देखें अगर इंडिया नहीं आता या इंडिया
नहीं जा सकते तो कोई कयामत नहीं आ जाती। लेकिन ये ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आप देखें एशिया कप के टूर्नामेंट्स हैं या वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, इसमें तो एक दूसरे के अगर मुल्कों में नहीं जाके खेला जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है ना। जी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन इंडिया जो है अपनी जो एक उनको घमंड है और जो एक तकब्बुर है वो इसका इजहार मतलब ये गलत मौके पे करते हैं, हमारे हिसाब से गलत मौके पे करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और बिल्कुल अभी जो बात हो रही थी कि हमारी टीम को मतलब उसकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करने के लिए, एक तरफ तो उनके प्लेयर जो है जेस्टर दिखा रहे हैं, हमारे भी प्लेयर जेस्टर अच्छा दिखा रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और हम हमेशा ये बात कहते हैं और इस चीज़ को मानते भी हैं कि देखें इंडिया में सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ये कुछ इंतहा पसंद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और पूरी मतलब ये कि क्रिकेट एरा को मतलब जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से ऐसा नहीं रहा और हमेशा से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड पॉजिटिव किया है। देखें हम इंडिया को तकलीफ ये है कि जब से हमारी PSL शुरू हुई है, हमने अपनी एक जो इंटरनेशनल ये प्रोडक्ट थी उसको दुनिया में एक बेहतरीन तरीके से उसको जो है ब्रांड मतलब कि प्रेजेंटेशन उसको दी है बेहतरीन तरीके से और मैनेज भी सही तरीके से किया है। अब एक ज़माना तो ये था कि वो ये कहते थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जाते, कोई ना कोई वो एक बहाना बना, लेकिन अब तो किसी किस्म का कोई बहाना नहीं है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सारी बड़ी बड़ी टीमें जो हैं पाकिस्तान आ रही हैं और सब जो है एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज में मतलब गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सब मैं आपसे भी चाहूँगा, एक बायलैटरल सीरीज होती है जिसमें अगर कोई टीम दूसरे मुल्क में ना जाए तो फिर उस तरीके से शायद ICC का रोल मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन एक ऐसी सीरीज जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल इन्वॉल्व हो, ICC इन्वॉल्व हो, इस तरह के जब सीरीज में कोई टीम किसी दूसरे मुल्क जाने से इनकार करती है बिना कोई वजह दिए हुए, बिना कोई ऐसी बात किए हुए जो कॉन्क्रीट हो, तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास भी तलब किया गया या ICC इसके ऊपर कोई प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए कोई इंडिया को प्रेशराइज करे कि वो पाकिस्तान का दौरा करे और फ्रीक्वेंटली करे इस हवाले से? देखिए होना तो जरूर चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे नजर नहीं आता ऐसा, क्योंकि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है इस तरह के किसी उसकी जूनियर लीग हो रही है, दीगर बड़ी सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हो रही है, अब तो वो बेसिस ही मौजूद नहीं है, अब तो पाकिस्तान ने अक्सर नौ अपने आप को तरतीब दे दिया है। जी बिल्कुल बेसिस मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी बात को हमारे दुश्मन को तो खटकेगी ना, ये तमाम चीजें इतनी अच्छी तरीके से कैसे हो रही हैं, तो अगर हम भी चले जाएंगे तो ये और मजबूत हो जाएंगे क्रिकेटिंग वाइज, तो वो जाहिर है कि वो इस चीज को मजबूत नहीं करना चाहते। और जहां तक बायलेटरल सीरीज की बात हुई है तो लास्ट टाइम जो है बायलेटरल सीरीज हुए एक अरसा हो गया पाकिस्तान और इंडिया की, और भारत की टीम ने 2008 के एशिया कप में पाकिस्तान का दौरा किया था, लास्ट दौरा था, और पाकिस्तान ने जो दौरा किया था वो 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया गई थी पाकिस्तान की टीम, और उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान इन दोनों मुल्कों में कोई मैच नहीं हुआ है। और अनीस साहब एक चीज और ऐड कीजिएगा कि जब इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान आना था जो कि एट वेरी लास्ट मोमेंट पुल आउट कर गई पाकिस्तान आने से, हमने देखा कि वहां पे एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन थी, फिर इंग्लैंड की टीम में वहां पे इंटरनली प्रेशर हुआ, वहां पे उनकी उनके लोगों ने प्रेशराइज किया, और फिर एट द एंड हमने देखा कि इंग्लैंड एक बड़ी सीरीज के लिए पाकिस्तान आई, और फिर आने वाले दिनों में फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी स्पोर्ट जर्नलिस्ट की एक कैटेगरी है जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को, इंडिया में बहुत बड़ी आवाम है जो सपोर्ट करती है, वहां से कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप बनेगा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान का दौरा करें? देखिए आपने इंग्लैंड की बात की है, तो इंग्लैंड तो एक बड़ी जो जेन्युइन लोग होते हैं उन वो गलती कर सकते हैं, लेकिन जब गलती कर लेते हैं उसके बाद उन्हें एहसास होता है या एहसास दिलाया जाता है या पूरी कौम उन्हें एहसास दिलाती है, तो फिर वो उसको कंपनसेट भी करते हैं, जैसा कि इंग्लैंड ने किया कि छोटे दौरे को एक बड़े दौरे में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और वो टेस्ट सीरीज के लिए भी पाकिस्तान यकीनन आएंगे और एक बड़ी सीरीज सात मैचों की वो खेल के गए हैं। लेकिन इसमें ये भी देखिए आप कि इस जो दौरा जो इंग्लैंड की टीम ने आखिरी मौके पे कैंसिल किया था उसमें भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट मौजूद था, एक सहाफी ने लिखा था और उसके बाद ये तमाम सूरत हाल वो जो पूरी चेंज चली थी ट्विटर से और वो ईमेल्स और वो जो तबादला हुआ यकीन तौर पे उसकी जो सारी जड़ें वो हिंदुस्तान से मिलती थी। रियासत जरूर उसको समराइज कीजिए, क्योंकि ये हमने देखा कि पाकिस्तान ने एग्रेसिव स्टांस लिया था जब इंग्लैंड ने पुल आउट किया, एक बार फिर से चेयरमैन PCB जनाब रमीज राजा साहब ने एक एग्रेसिव स्टांस जरूर लिया,
आपको लग रहा है कि कुछ सूरत हाल तब्दील हो सकती है, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है जो कि इंडिया को उसकी हठधर्मी से बाज रहने के लिए तैयार कर सके? देखिए बिल्कुल, जैसा अभी बात हो रही थी, हम ये कह रहे थे कि माजी में हमने कभी भी मतलब उनको जो हमें मतलब अच्छा जवाब देना चाहिए था हमने नहीं दिया। हमेशा हम मतलब ये कि उन जो वो कहते रहे वो हम करते रहे, न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए या जैसा वो कहते रहे चले गए। फिर ये देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका डोमिनेशन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके काफ़ी लोग हैं और उन्होंने अब न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वहाँ की जो बोर्ड हैं उनको भी अपने साथ अंडर मतलब ये बैकडोर और अंडरग्राउंड उनको मिलाया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को अब इसी उनका जो जिस तरह का सवाल हो उस तरह का उनको जवाब देना चाहिए और जब तक हम इस तरह से नहीं करेंगे मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन रियासत पाकिस्तान की क्रिकेटिंग इकोनॉमी हम देखें तो रिसेंटली बेहतर हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टिल्ट इंडिया की तरफ था वो अब हम अपनी तरफ फिर से वापस झुका सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, आपने बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया। देखें अभी जो ये लास्ट जो PSL हुई है ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो PSL हुआ करती थी हमारी जो कुछ फ्रेंचाइज थी वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जाती थी और कुछ फ्रेंचाइज जो थे वो ये कहते थे कि हमें नॉमिनल मतलब फायदा है, खुश नहीं होते थे। लेकिन ये पहली जो लास्ट PSL हुई है ये पहली PSL थी जिसमें मतलब ये जो नुकसान में जाते थे उनको भी फ़ायदा हुआ है तो, और जो जिनको फ़ायदा थोड़ा बहुत होता था उनको बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा ब्रांड जो है आइंदा आने वाले दिनों में और मतलब बेहतर होगा और इसमें कोई शक नहीं कि अब हम इंडिया का मतलब हर सतह पे मुकाबला कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं और हमें उनका जवाब जो है टिट फॉर टैट देना चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए और एक कड़ा जवाब देना होगा और जो कि पाकिस्तान की जानिब से दिया भी गया। PCB चेयरमैन जनाब रवीन्द्र राजा साहब ने जिस अंदाज से दो टोक जवाब दिया और माजी में भी जिस अंदाज से हमने देखा कि जब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करते तो वो बगैर किसी डर खौफ के बड़ा ब्लंटली जवाब देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हो चाहे वो किसी निजी महफिल में बैठे हों। क्रिकेट के मैदानों में सियासत का उनसर उस तरीके से नहीं होना चाहिए। जब क्रिकेट की बात होती है तो बाहमी रिश्तों की बात होनी चाहिए, जब क्रिकेट की बात होती है तो प्लेयर्स की प्रॉस्पेरिटी की और खेल के फरोग की बात होनी चाहिए जो कि फिलहाल इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से देखने में नहीं आ रही। और यकीन तौर पर अगर इस तमाम दर सूरत हाल की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर जा सकती है तो वो इंडियन गवर्नमेंट है और फिर BCCI के ऊपर। प्लेयर्स इस तमाम दर सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मुस्तस्ना दिखाई देते हैं, एक बड़ा अच्छा बॉन्ड शेयर हो रहा है, गुफ्तगु हो रही है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड हो रहे हैं। इनफैक्ट एक दिन पहले ही सुनील गावस्कर साहब ने बाबर आजम को अपनी साइन कैप दी और ये जेस्चर था कि अगर सुनील गावस्कर जैसा ग्रेट लेजेंड बाबर आजम को इस तरीके से सराह रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों रिश्तों दोनों ममालिक के प्लेयर्स में एक बॉन्डिंग है, एक रिश्ता है जो कि अब रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह के इकदाम से क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचेगा और क्रिकेटिंग क्रिकेट की फील्ड पे पिच पे इसके क्या असरात दिखाई देंगे यकीन तौर पर ये देखना होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे जरा सियासत के मैदान में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि खान साहब ने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद दीगर पार्टीज में कुछ खलबली सी मची हुई दिखाई देती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।